हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी दिस इज मी अर्जिता एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 15 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ठीक है देखिए सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा थैंक यू बनता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ठीक है थैंक यू उनके लिए बनता है आ, uh, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था आई वॉज लिटिल कंफ्यूज मेरा मेरे, मेरे माइंड में एक डाउट आया था ठीक है Uh, किसी स्टूडेंट ने पिछली वाली क्लास में लिखा भी था कंफ्यूज है मैं कंफ्यूज नहीं थी आई हैड लेट डाउट यू हैव टू अग्री विद दिस थिंग मेरा एक लेजिटिमेट डाउट था डाउट क्यों है वो गलती मेरी थी दैट मिस्टेक वॉज माइन मिस्टेक मेरी इसलिए थी कि मैंने गलत वाला बी एन एस एस जो है वो देख लिया था जिसकी वजह से मेरे माइंड में डाउट आ रहा था कि भाई ये दोनों चीजें जो है ये नहीं कर रही वो मैं अभी आपको सेशन के स्टार्टिंग में पहले उसी चीज को हम क्लियर करने वाले हैं ठीक है लेकिन एग्जैक्टली exactly गलती मेरी है भी नहीं गलती मेरी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने एक लेजिटिमेट वेबसाइट से बीएनएसएस का बी एन एस एस का इट्स अ ऑथेंटिक वेबसाइट जिसे आप और मैं हम सब दिन में दस बार खोल के देखते हैं एक ऑथेंटिक वेबसाइट से मैंने बीएनएसएस निकाल के देखा था और उसी वो शायद गलत वाला बीएनएसएस था आ, वो पहला वाला बीएनएसएस था जो सेकेंड वाला सरकार ने बाद में इंट्रोड्यूस किया है वो वाला नहीं था है ना तो ये उन वेबसाइट वालों की भी गलती है और कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि ये कौन सा वाला बीएनएसएस है पहला वाला है कि दूसरा वाला है तो आज की क्लास में सबसे पहले हम उस डाउट को यहां पे क्लियर कर लेंगे ठीक है जो आप सबने मेरी मदद की सो थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग दैट एंड आज की क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में जो कुछ सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं उनमें हुए हैं बड़े बड़े बदलाव उनमें हुए हैं बड़े बड़े चेंजेस जो आप अभी तक आईपीसी में पढ़ते थे उनमें कुछ कुछ चेंजेस अब बीएनएस में आपको यहां पे देखने को मिलने वाला है ओके सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को आ, राम मंदिर उद्घाटन उद्गाट, उद, उद्घाटन की बहुत बहुत बधाइयां जय श्री राम सभी लोगों को भारत की हिस्ट्री भारत के कल्चरल हेरिटेज का आज बहुत ही ज्यादा इतिहास एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और भारतवासियों के लिए बहुत ही प्राउड और बहुत ही जो है खुशी वाला दिन है तो आई होप आप सब लोग घर पे दिवालियां बना रहे हैं दिए आपने जलाए हैं लाइटिंग वगैरह आपने की है नहीं की है तो क्लास की बात कर लीजिएगा नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द क्लास सो गाइज अगर आपने अभी तक मेरे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर नहीं कनेक्ट किया है तो पहले तो वो जल्दी से कर लो ताकि क्लास की पीपीटी मेरे नोट्स के साथ आपको मिलती रहे टेलीग्राम पे ऑल्सो अगर आपके कोई सवाल कोई डाउट कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो भी आप मुझसे यहां पे जुड़ के पूछ सकते हैं अरे अब भाई एक बहुत ही धमाके वाली न्यूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज कुछ ये है कि स्टडी आई जुडिशरी का हेलो गईज मैं विजिबल हूं ना आप लोगों को मैं विजिबल हूँ <laughs> so, हाँ जैसे कि मैं बता रही थी कि आप सभी लोगों को पता होगा ये तो सभी लोगों को पता होगा कि स्टडी आई क्यू जुडिशरी नया बैच आ रहा है तारीख से like मैम रटा चुकी हो ये ये तो तुम बता बता के है 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 ना ठीक तुमको पता है. जो तुमको नहीं पता है वो ये है कि आज ये बैच आपको बहुत ही कम प्राइस में दिया जा रहा है क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा का दिवस है तो ये जो बैच है ये आज के लिए सिर्फ और सिर्फ आज के लिए आपको बाईस के प्राइस में मिल रहा है ये प्राइस सिर्फ रात में 12 बजे तक ही वैलिड है तो अगर आपको इनरोल करना है लाइफ फाउंडेशन बैच थ्री में जो कि 27 सत्ताईस जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं मेरा डिस्काउंट कोड ए यूज करके बट ध्यान रखना ये जो प्राइस है रात में बारह बजे तक ही वैलिड है तो एक बार मैं आपको सेशन के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगी कि भाई कोर्स कहां पे है इनरोल कैसे कर सकते हो और क्या क्या चीजें इनरोल करने के बाद जो है वो आपको मिलती हैं ओके चलो अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन के ऊपर तो देखो सबसे पहले तो जो लास्ट क्लास में मेरी गलती थी मैं एक्सेप्ट करती हूं ठीक है थोड़ी मेरी गलती थी थोड़ी बाकी लोगों की भी गलती थी है ना तो उसको पहले यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेते हैं लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको एक सेक्शन बताया था सेक्शन नंबर जो 5 था जिसमें हमने कम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था है ना इसमें मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा बदलाव यहां पे ये हुआ है कि पहले जो आप कम्यूटेशन का सेंटेंस पढ़ते थे जो आप सेक्शन वगैरह पढ़ते थे वो तीन अलग-अलग सेक्शंस थे है ना 54 55 और 55 ए ये तीन अलग-अलग सेक्शंस हम देखा करते थे अब इन्होंने क्या कर दिया है एक ही सेक्शन में सारी चीजों को कंपाइल मार दिया है अब सेक्शन नंबर 5 ही है भारतीय न्याय संहिता का जो कि कुल मिला क्या करता है

भारतीय न्याय संहिता में वो किसके हिसाब से होंगे सेक्शन 484 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से किए जाएंगे ये दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है जो इस सेक्शन में आपको देखने को मिलता है तीसरा सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ था इस सेक्शन में कि भाई पहले जो कम्यूटेशन का सेक्शन था वो बात करता था सिर्फ दो पनिशमेंट्स के बारे में क्या थी वो दो पनिशमेंट कि भाई आप डेथ पेनल्टी को क्या कर सकते हैं किसी और पनिशमेंट में बदल सकते हैं है ना या फिर आप लाइफ इंप्रिजनमेंट को क्या कर सकते हैं किसी और पनिशमेंट में बदल सकते हैं अब यहां पे इन्होंने क्या कर दिया है उसको जेनरिक बना दिया है जेनरिक कैसे बना दिया है कि भाई जहां पे डेथ पेनल्टी की सजा है है ना उसको आप किसी और पनिशमेंट में यहां पे बदल सकते हो ठीक है सॉरी ऊपर हाँ। जहां पे डेथ पेनल्टी की सजा है ठीक है उसको भी आप किसी और सजा में बदल सकते हो जहां पे लाइफ एंड प्रेजेंटमेंट की सजा है उसे भी बदल सकते हो जहां पे सिंपल या रिग्रेस पनिशमेंट है उसको भी आप बदल सकते हो तो आप अब किसी भी सजा को कम्यूट कर सकते हो ये तीसरा सबसे बड़ा बदलाव था जो कि सेक्शन के अंदर में हमने डिस्कस किया था अब जो मेरा कंफ्यूजन आया था वो सेक्शन 474 के रिस्पेक्ट में ही था तो सेक्शन 474 को भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 474 में क्या लिखा हुआ है अब यहां पे बताया गया है देखो डिफरेंस चेंज यहां पे क्या हुआ है पहले जो सेक्शन 54, 55 था वो क्लियरली आपको बताता था कि भाई जहां पे डेथ पेनल्टी है उसको आप चेंज करके क्या कर सकते हो जहां पे लाइफ इंप्रेजनमेंट है उसको आप चेंज करके क्या कर सकते हो है ना अब जो नया वाला सेक्शन है इसमें उन्होंने ये तो बताया है नहीं स्पेसिफिकली कि डेथ को बदल के क्या कर सकते हो लाइफ इंप्रिजनमेंट को बदल के क्या कर सकते हो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई तुम किसी भी पनिशमेंट को बदल के कुछ भी और कर सकते हो लेकिन क्या कर सकते हो उसके लिए अपन को रेफर करना पड़ेगा फोर का बी अब यहां पर बताया गया है कि कौन सी पनिशमेंट को बदल के क्या किया जा सकता है तो जहां डेथ पेनल्टी की सजा है उसे कम्यूट करके क्या कर सकते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट कर सकते हैं यानी रिड्यूस कर दिया जाएगा जहां लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है उसको बदल के क्या कर दिया जाएगा कम से कम सात साल का इंप्रिजनमेंट कर दिया जाएगा जहां पे इंप्रिजनमेंट की सजा ही जहां पे इंप्रिजनमेंट की सजा ही सात साल या उससे ज्यादा की दी गई थी उसको आप क्या कर सकते हो बदल के तीन साल का इंप्रिजनमेंट कर सकते हो जहां पे तीन जहां पे सात साल से कम की सजा सुनाई गई थी ठीक है जहां पे सात साल से कम की सजा सुनाई गई थी ठीक है फॉर फाइन उसको भी आप चेंज यहां पे कर सकते हो है ना अ सेंटेंस ऑफ रिग्रेस इंप्रेजेंटमेंट फॉर सिंपल इंप्रेजेंटमेंट फॉर एनी टर्म टू विच दैट पर्सन माइट हैव बीन सेंटेंस्ड है ना तो यहां पे आपको ये कम्यूटेशन का इन्होंने फिक्स्ड एक टेबल बना के दे दिया है कि भाई ये सजा है है ना नहीं आ, गिरीश ऐसे इजीली कम्यूटेशन नहीं होता ऐसा नहीं है कि हर कोई मुंह उठा के जाएगा और सबको यहां पे कम्यूटेशन जो है वो दे दिया जाएगा है ना तो यहां पे 474 में इन्होंने क्या किया है 474 में इन्होंने आपको स्पेसिफिकली हाँ पे बता दिया है कि भाई ये वाली पनिशमेंट है तो इसको बदल के ये कर दो ये वाली है तो इसको बदल के ये कर सकते हो इज दिस क्लियर नाउ कम्यूटेशन वाली जो पॉइंट है वो सबको यहां पे समझ में आ गया नहीं अमृता और गिरीश आपका ये पॉइंट गलत है कि डेथ पेनल्टी खत्म है देखो वैसे भी हमारे देश में डेथ पेनल्टी इतनी आसानी से दिया नहीं जाता है हम हर केस में डेथ पेनल्टी देते भी नहीं है ऑफ द रेयर केसेस में देते हैं वो भी बहुत ही रेयर वाले रेयर वाले केसेस में दिए जाते हैं आप खुद अगर पिछले दस साल की हिस्ट्री उठा के देख लो है ना तो उठा के देख लो कितने केसेस में डेथ पेनल्टी दी गई है और जहां दी भी गई है वहां सुप्रीम कोर्ट उसको खुद चेंज कर देता है खुद उसको हटा दिया जाता है कम्यूटेशन तक आने की नौबत ही नहीं आती है और कम्यूटेशन अगर आता भी है कम्यूटेशन ठीक है अगर आप अप्लाई करने के लिए जाते भी हो या सरकार अगर कंसिडर करती भी है तो ऐसे हर किसी पर्सन का नहीं करती है कि ऐसे एक्स वाई जेड किसी भी रैंडम पर्सन को उठा के आओ अपन कम्यूट कर दें उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं किसी की भी सजा को कम्यूट करने के पहले तो ऐसा नहीं है कि डेथ पेनल्टी मिलेगी तो अब उसको हटा दिया जाएगा ठीक है एग्जैक्टली हाँ अमृता ये पॉइंट आपका सही है

जो हम पढ़ते थे सेक्शन नंबर सिक्सटी थ्री अब यहां से बदलाव क्या हुआ है देखो जब आप सेक्शन नंबर 63 पढ़ते थे तो आपको अमाउंट ऑफ़ फाइन के बारे में या अप, कि है, है फाइन कि की सजा हुई है, सजा हुई है, है ना और वो फाइन ना पे करे तो उसके बदले में तुम उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट लगा सकते हो ये सारे सेक्शन अपन पढ़ते थे अब दिक्कत क्या थी ये सारे अलग अलग सेक्शन थे इनका कॉन्सेप्ट सेम था ये सारे के सारे सेक्शंस मेन एक ही एक एक ही ही इर्द गिर्द मतलब ना टॉपिक से डील करते थे बट दिए अलग अलग सेक्शंस में दिए गए थे तो अब इन्होंने भारतीय न्याय संहिता में क्या कर दिया है कि भाई ये जो इर्द गिर्द घूमते हुए सारे सेक्शंस थे ना इनको क्लब करके एक ही सेक्शन में डाल दिया है विच इज सेक्शन नंबर एट तो सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स ये जितने अलग अलग सेक्शन थे आपके ये अब आप सब सेक्शन नंबर आठ के अंदर में ही आ चुके हैं अब सिक्सटी थ्री और सेक्शन नंबर आठ तो सिक्सटी थ्री जो था आपका ये क्या बन चुका है सेक्शन नंबर आठ का क्लॉज नंबर वन बन चुका है अब इसमें क्या लिखा हुआ है तो सेक्शन सेम है सेक्शन में कोई भी आपका बदलाव नहीं हुआ है सेक्शन क्या कहता है कि भाई अगर आईपीसी के अंदर में या भारतीय न्याय संहिता के अंदर में कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें लिखा है कि भाई आप सामने वाले इंसान के ऊपर क्या लगा सकते हैं फाइन लगा सकते हैं आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ते हो या आप आईपीसी पढ़ते हो तो वहां पे क्या लिखा होता है कि भाई जिस भी इंसान ने कोई एक्स वाई जेड ऑफेंस किया है उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा लेकिन वहां पे नहीं लिखा होता है रुपए दो हजार रुपए पांच हजार रुपए दस हजार रुपए यानी कि वहां पर सिर्फ लिखा है कि फाइन लगाया जाएगा कितना लगाया जाएगा यह नहीं बताया गया है तो अब ऐसे में कितना फाइन अपन लगाएंगे कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि भाई कितना फाइन यहां पे लगाना है तो अगेन इन्होंने जजेस को यह नहीं बताया है कि कितना फाइन लगाना है लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो अमाउंट ऑफ फाइन है है ना वो अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए इस लाइन का मतलब क्या होता है इस लाइन का मतलब यह होता है कि भाई चाहने को तो तुम किसी इंसान के ऊपर दस करोड़ का फाइन भी लगा सकते हो तुम्हारे ऊपर फाइन लगाने की लिमिट नहीं है तुम्हें किसी के ऊपर फाइन लगाना है तुम बेशक लाखों रुपए का फाइन लगा दो कोई दिक्कत नहीं है आपको कोई भी नहीं रोक रहा लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि भाई सामने वाले की हैसियत के हिसाब से उसके ऊपर फाइन लगाओ उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से उसके ऊपर फाइन लगाओ जैसे कई बार क्या होता है कुछ केसेस में अगर हम बात करते हैं मान लो कोई गरीब सा आदमी है, है ना कोई मतलब बहुत ही गरीब सा आदमी है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है ठीक है कोर्ट अब उसको सजा सुना रहा है अब कोर्ट जो है कोर्ट को भी इतनी अकल होती है जज को भी इतनी अकल होती है सामने इंसान को देखते हुए कि कि भाई ये एक ऐसा इंसान नहीं है है जो कि का फाइन दे सकता है। आपको उसकी शक्ल देख के समझ में आ रहा है आपको उसके कपड़े देख के समझ में आ रहा है कि इसके पास इसके पास दस हजार छोड़ो इसके पास हजार रुपए भी नहीं होगा यहां पे फाइन देने के लिए तो फिर जज वहां पे क्या करते हैं कि भाई फाइन कम लगा देते हैं है ना उसको सजा ज्यादा दे देते हैं इंप्रिजनमेंट ज्यादा दे देते हैं

है ना सामने वाले की लेकिन हैसियत के हिसाब से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे क्या है है ना उसके हिसाब से यहाँ पे फाइन लगाओ भले ही हो सकता है कि देखो सामने सामने वाले वाले ने ने कोई कोई बहुत बहुत बड़ा बड़ा ऑफेंस ऑफेंस किया किया हो हो है ना सामने वाले ने कोई बहुत बड़ा ग्रेव किया हो। अब लेकिन ग्रेव ऑफेंस किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका तुम घर बिकवा दोगे किसी इंसान ने मर्डर का ऑफेंस किया है ठीक है अब वो बेचारा बहुत ही गरीब आदमी है है ना जस्ट बिकॉज मर्डर का ऑफेंस किया है तो तुम ये तो नहीं बोल दोगे हाँ चल भाई एक लाख रुपए का फाइन जमा कर दे के अंदर में। उसके पास ही नहीं लाख रुपया तो नेचर क्या है ऑफेंस कितना बड़ा किया गया है कितनी ग्रेविटी से सामने वाले को मारा गया है हमें सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन सामने वाले की जो हैसियत होती है वो भी यहां पर कंसिडर करना चाहिए ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको दूसरी Uh, कई बार आपने देखा होगा जो एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचाने वाले केसेस होते हैं जहां पे पे मान लो कि आपने कहीं पे पेड़ वगैरह काट दिए है ना कहीं पे आपने ग्रीन एरिया डैमेज कर दिया कहीं पे आपने कोई वाटर बॉडी थी उसको आपने दूषित वगैरह कर दिया तो एक बार ऐसा हुआ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने है ना सुप्रीम कोर्ट ने एक मिनिस्टर के ऊपर दस लाख रुपए का फाइन लगाया था दस लाख रुपए का फाइन क्यों लगाया था देखिए पहली बात <clears throat> दोनों चीजें यहां पे कंसिडर करके पहली बात कि भाई आपने जो नुकसान पहुंचाया है यहां पे एनवायरमेंट को जो आपने पर्यावरण को यहां पे नुकसान पहुंचाया है उसको कंसिडर करते हुए ऑफेंस के ग्रेविटी को कंसिडर करते हुए आपके ऊपर कम से कम दस लाख रुपए का फाइन लगना ही चाहिए है ना दूसरा यहां पे क्या था कि भाई तुम मिनिस्टर हो तो तुम्हारे पास दस लाख रुपए तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मतलब आपकी पेइंग कैपेसिटी है यहां पे दस लाख रुपए जो है वो देने की तो दोनों चीजें यहाँ पे कोर्ट को जो है वो सोच के चलना चाहिए है ना कि भाई सामने वाले के ऊपर एक तो ऐसा एक तो ऐसा फाइन लगाओ है ना ताकि उसको रियलाइज हो उसको अखरना चाहिए वो चीज उसको रियलाइज होना चाहिए कि उसने यहाँ पे कुछ गलत किया है लेकिन गलत का एहसास करवाने के चक्कर में इतना भी फाइन मत लगा दो कि उसका घर यहां पे बिकने की उस पर आ जाए कागार पे आ जाए तो सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन हमको कंसिडर करके क्या करना होता है है ना यहाँ पे फाइन लगाना होता है आमतौर पर कोर्ट यही कोशिश करता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा फाइन लगा पाए जितना सामने वाले की पेइंग कैपेसिटी हो ताकि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक मैसेज भी यहां पे भेज पाए भाई कोर्ट को कोई शौक नहीं आ रहा है कोर्ट तुम्हारे पैसे के पीछे नहीं पड़ा है कि दस लाख रुपए का फाइन यहाँ पे आएगा कोर्ट का इंटेंशन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भाई दस लाख रुपए का फाइन लगाएंगे तो बाकी जो अपन ने पढ़ा था अपन ने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी डेटरेंट थ्योरी पढ़ी थी ना कि अपन को सामने वाले को भी एहसास करवाना है और बाकी लोगों को भी एग्जाम्पल देना है कि भाई प्रदूषण करोगे अगर पोल्यूशन वगैरह करोगे तो दस लाख रुपए का फाइन लगाया जाएगा तुम्हारे ऊपर तो ये दो तीन फैक्टर्स होते हैं क्या क्या दो तीन फैक्टर्स हुए कि भाई पहला जस्टिफाइड होना चाहिए ऑफेंस के हिसाब से है ना दूसरा ऑफेंस की ऑफेंस का नेचर और ग्रेविटी देखो और तीसरा सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन देखो ये तीनों चीजें कंसिडर करने के बाद कोर्ट क्या डिसाइड करता है कि भाई कितना फाइन आपको सामने वाले पर्सन के ऊपर लगाना है है ना इज इट क्लियर समझ में आ गया समझ में आ गया ये वाला सेक्शन अनूप शुक्ला वो आगे आएगा अभी अपन करेंगे कंप्यूटेशन का प्रोसीडिंग आएगा अभी वो सेक्शन रुक जाओ सुगंध वो भी चेंज हो गया है ठीक है चलो अब आ जाते हैं अपन सेक्शन नंबर सिक्सटी फोर के ऊपर है ना अब ये जो सेक्शन ये जो सेक्शन है ये लोगों के दिमाग हिला देता है एंड आई एम प्रिटिश श्योर कि आपसे यहां पर जो नाइनटी फाइव परसेंट लोग बैठे हुए हैं मैं आपसे एक डाउट पूछूंगी 95% लोगों को उस पर्टिकुलर फ्रेज का सही इंटरप्रिटेशन पे नहीं पता होगा कि उस उस पर्टिकुलर कुछ यहाँ पे चार चार पांच पांच शब्द आएंगे सेक्शन के अंदर में उन 4, शब्दों का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है उनका उनका मतलब क्या होता है ये बहुत से लोगों को यहां पे नहीं पता होगा तो दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू क्लियर क्योंकि जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करती हूं वो मुझे गलत एक्सप्लेनेशन समझाते हैं इस सेक्शन का ठीक है सेक्शन नंबर सिक्सटी फोर आप पढ़ा करते थे ठीक है जो कि अब आप आपका तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन नंबर अब क्या बन बन गया है सेक्शन नंबर नंबर का क्लॉज चुका है अलग अलग सेक्शंस की बजाय एक ही सेक्शन में सारी चीजें क्लब कर दी गई हैं है ना तो यहां पे सेक्शन नंबर आठ का क्लॉज नंबर टू आपका अब ये बन चुका है जो कि सेक्शन नंबर सिक्सटी फोर हुआ करता था अब ये सेक्शन क्या बोलता है अब ध्यान से सुनना ताकि समझ आ पाए एक भी पूरा अटेंशन एक मिनट यहां पे लगा के सुनना है ना ये सेक्शन आपको बताता है पहले तो तीन चीजों के बारे में तीन चीजें क्या है देखो आप भारतीय न्याय संहिता बोलो या आप आईपीसी बोलो भारतीय न्याय संहिता बोलो या आईपीसी बोलो कोई भी ऑफेंस अगर आप पढ़ोगे ऑफेंस की तीन तरीके की पनिशमेंट होती है तीन तरीके की पनिशमेंट क्या होती है देखो कुछ ऑफेंसेस में लिखा होता है कि ऑफेंडर के ऊपर इंप्रिजनमेंट भी लगाया जाएगा और फाइन भी लगाया जाएगा है ना ये एक कैटेगरी होती है ऑफेंसेस की जहां पे सजा क्या दी होती है आपको जेल भी भेजेंगे और आपके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा मतलब दोनों होंगे ठीक है दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि आपके ऊपर इंप्रिजनमेंट लगाया जाएगा और या फिर और या फिर आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा ठीक है तीसरी कैटेगरी क्या होती है जो वाले ऑफेंसेस होते हैं कि आपके ऊपर सिर्फ फाइन लगाया जाएगा अब ये जो सेक्शन है ये आपको वही चीज बताता है पहले सेक्शन में क्या लिखा है कि देखो इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता में कोई भी ऑफेंस पढ़ोगे तो पहली कैटेगरी तो क्या होगी पहली कैटेगरी ये होगी जहां पे आपको इंप्रिजेमेंट भी मिल रहा है और फाइन भी मिल रहा है मतलब अपन पहली वाली कैटेगरी की बात कर रहे हैं आपको इंप्रजनमेंट भी मिल रहा है और आपको फाइन भी मिल रहा है है ना अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसका इंटरप्रिटेशन लोगों को नहीं पता होता इसका ये मतलब क्या है वो गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं अब इसका सही इंटरप्रिटेशन सुनो ये लाइन बोलती है जहां पे आपको इंप्रिजनमेंट की भी सजा बताई गई है आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है मतलब दोनों आपको देना है है ना और ऑफेंडर के ऊपर आपने फाइन लगा दिया है अब आप, आपने ऑफेंडर को सिर्फ फाइन की पनिशमेंट यहां पे दी है या तो इंप्रिजनमेंट के साथ या फिर बिना इंप्रिजनमेंट के साथ अब इस लाइन का यहां पर मतलब क्या होता है इस लाइन का मतलब यह होता है एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं एक सेक्शन है आईपीसी का उठा के देख लो अगर रेफर कर सकते हो अभी तो रेफर कर लो आईपीसी का एक सेक्शन है सेक्शन 344 जो ये बोलता है कि अगर आपने किसी इंसान को 10 साल या 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा के लिए अगर आपने किसी इंसान को रॉन्गफुली कन्फाइन किया है, है ना तो आप उसको तीन साल तक की सजा सुना सकते हो यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट बताई गई है मिनिमम पनिशमेंट नहीं बताई गई है प्लस वहां पे फाइन भी लिखा है मतलब अगर आपको दोनों देना है तो आप मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट तीन साल तक का दे सकते हो ठीक है और आप फाइन आपको फाइन भी वहां पर लगाना पड़ेगा अब ये जो फ्रेज होता है ना कि तीन साल तक का भी दे सकते हो यानी कि जहां पे मैक्सिमम सजा बताई जाती है वहां पे जज के पास ये भी डिस्क्रिशन होता है कि मैं जीरो आईपीसी के आईपीसी के कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं मेरी बात ध्यान से सुनना

है ना तो ये जो पहली वाली कैटेगरी है इसका ये जो सेकेंड वाला पार्ट है वो यही बोलता है कि मान लो कोई ऐसा ऑफेंस है जहां पे इसी टाइप की कोई पनिशमेंट बताई गई है है ना कि आप सामने वाले के ऊपर इंप्रिजनमेंट भी लगा सकते हैं और आपको उसके ऊपर फाइन भी लगाना है लेकिन तो भी मेरे पास यहां पे ऑप्शन है कि मैंने सिर्फ फाइन लगाया होगा और मैंने इंप्रिजनमेंट नहीं लगाया होगा है ना या फिर कुछ ऑफेंसेस ऐसे होंगे जहां पर मुझे मिनिमम तीन साल की सजा तो देनी होगी तो वहां पे मैंने क्या किया होगा वहां पे मैंने इंप्रिजनमेंट भी लगाया होगा और फाइन भी लगाया होगा ये सबसे पहले वाले क्लॉज का मतलब होता है आई होप ये क्लॉज आपको समझ में आ गया होगा ठीक है सेकेंड वाला क्लॉज क्या बोलता है कि भाई अब उन ऑफेंसेस पे आ जाओ जिनमें या तो इंप्रिजनमेंट है या फाइन है मतलब आपको दोनों लगाने की जरूरत नहीं है या तो इंप्रिजनमेंट लगेगा या फिर फाइन लगेगा यानी अपन दूसरी वारी कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं और तीसरा पॉइंट यहां पे क्या बोलता है कि या तो फिर सिर्फ फाइन लगाया जाएगा जो तो छुटपुट वाले ऑफेंसेस होते हैं जिनमें इंप्रेजनमेंट होता ही नहीं है जिनमें सिर्फ फाइन होता है तो वो अपनी कौन सी हो गई तीसरी वाली कैटेगरी हो गई अब ये क्या बोलता है नीचे वाला पार्ट क्या, क्या बोलता है कि भाई अगर आपने इनमें से किसी भी कैटेगरी में भाई इनमें से कोई सी भी तुम कैटेगरी में फॉल कर रहे हो है ना इनमें से तुम किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो ठीक है यहां पर मैंने आपके ऊपर फाइन लगाया और तुमने यहां पे फाइन जो है वो नहीं पे किया है ना मैंने तुमको इंप्रेजनमेंट की सजा दी और मैंने तुम्हारे ऊपर फाइन लगाया तुमने अब तो देना मेरे हाथ में है जेल जाना तुम्हारे हाथ में चॉइस तो है नहीं तुम्हें जाना ही पड़ेगा जेल लेकिन फाइन जो है वो तुम्हारे हाथ में है अब तुम हो एक नंबर के कंजूस आदमी है ना तुम फाइन पे नहीं करना चाहते ठीक है तो यहां पे कोर्ट क्या कर देता है यहां कोर्ट तुमको बोल देता है कि अच्छा ठीक है फाइन नहीं दोगे अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है दो ऑप्शन यहां पे तुम्हारे पास क्या है भाई या तो कायदे से फाइन दे दो अब अगर फाइन नहीं दोगे तो तुमको एक्स्ट्रा इंप्रेजनमेंट जो है यहां पे सफर करना पड़ेगा और वो इंप्रेजनमेंट क्या होगा एक्सेस में होगा टू दी ऑलरेडी ऑलरेडीमेंट जो कि तुमको सुनाया जा चुका है अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं मैंने तुम्हारे ऊपर तीन साल का इंप्रेजनमेंट लगाया मैंने तुम्हारे ऊपर तीन साल का इंप्रेजनमेंट लगाया और मैंने तुमको क्या बोला कि भाई तुमको हजार रुपए का फाइन भी यहां पे भरना है अब तीन साल तो जेल भेजना मेरे हाथ में है वो तो तुम्हारे हाथ में है नहीं वो तो तुमको उठा के पटक ही दूंगी लेकिन जो हजार रुपए का फाइन है वो देना तुम्हारे हाथ में है अब तुमने नहीं दिया तो मैं तुमको क्या बोलूंगी कि ठीक है नहीं दे रहे ना हजार रुपए फाइन कोई बात नहीं तो फाइन ना दे पाने के चक्कर में हजार रुपए का फाइन ना देने के चक्कर में मैं तुम्हारे ऊपर लगा रही हूं एक्स्ट्रा इंप्रिजनमेंट और वो मैं ये तीन साल में एडजस्ट नहीं करूंगी वो मैं तुमको अलग से दूंगी वो अलग से चलेगा तुम्हारा एक्सेस में क्योंकि ये तो तुम्हारा अलग था ये क्यों लगा रहे हैं जो तुमने फाइन नहीं पे किया उसके लिए लगा रहे हैं नाउ क्विकली आंसर मी जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया और जो पूरा सेक्शन मैंने आपको बताया क्या वो आपको समझ में आया क्या वो आपको समझ में आया हाँ वन फोर्थ पे अपन आएंगे अभी बाद में बट जो ये पॉइंट मैंने आपको बताया क्या ये आपको समझ में आया anybody has any question any doubt in this ये वाला जो पार्ट मैंने अभी आपको बताया है ना ये यहां से जो स्टार्ट होता है इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विथ और विदाउट इंप्रिजनमेंट इसको प्लीज ध्यान रखिएगा अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने देखा है अच्छे से मतलब आ,

तो 344 वाला ये जो सेक्शन है इसमें क्या लिखा हुआ है 344 वाले में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप किसी इंसान को अगर आप किसी इंसान को 10 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा के लिए आप उसको रॉन्गफुली कंफाइन करते हैं तो आपको पनिशमेंट यहां पे कितनी दी जाएगी ठीक है पनिशमेंट आपको यहां पर तीन साल तक की दी जाएगी तीन साल तक की दी जाएगी प्लस आपके ऊपर यहां पर फाइन भी लगाया जाएगा तो ये अपन कौन सी कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं अपन पहली वाली कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे तुम्हारे ऊपर फाइन भी लग रहा है और इंप्रेजेंटमेंट भी लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई लेकिन अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है यहां पे लिखा हुआ है कि आपके ऊपर फाइन तो लगा दिया गया लेकिन हो सकता है आपके ऊपर इंप्रेजेंटमेंट ना लगाया गया हो अब यह कैसे पॉसिबल है कि भाई इंप्रेजेंटमेंट नहीं लगाया गया वो ऐसे हो सकता है क्योंकि भाई ये जो सेक्शन है ये जज को ये तो बोलता है कि तुम मैक्सिमम तीन साल लगा सकते हो लेकिन जज अगर चाहे जज अगर चाहे तो तुम्हारे ऊपर जीरो इंप्रेजनमेंट भी लगा सकता है तो ये उस टाइप की ऑफेंसेस हैं जो अपन भारतीय न्याय संहिता में पढ़ेंगे या आईपीसी में आप पढ़ते हो ये उस कैटेगरी की ऑफेंसेस हैं जहां पे लिखा तो है कि इंप्रिजनमेंट भी लगाना है और फाइन भी लगाना है लेकिन इंप्रेजनमेंट में भी एक लूपहोल है यहां पे कि इंप्रेजनमेंट का तुमने मैक्सिमम सेंटेंस बताया हुआ है मिनिमम नहीं बताया हुआ है तो मैं तीन साल ना लगा के तुम्हारे ऊपर जीरो डेज का भी इनप्रेजनमेंट लगा सकती हूं तो दैट इज वॉट ये जो पहला वाला लाइन पहले वाले लाइन का जो ये सेकेंड वाला पार्ट है ना इन विच फाइन विथ और विदाउट इंप्रजनमेंट ये उस लाइन का ये मतलब होता है अभी सबको समझ में आ गया क्लॉज नंबर ए जो है क्लॉज नंबर ए इज इट इज इट क्लियर टू एवरी एवरी वन जो इस ये वाला जो पार्ट है इसका मतलब क्या होता है ठीक है परफेक्ट चलिए अगले सेक्शन पे आ जाते हैं अब देखो अगला जो सेक्शन था ये हुआ करता था सेक्शन नंबर सिक्सटी फाइव सेक्शन नंबर सिक्सटी फाइव आपको क्या बताता था 65 ये बोलता था कि अब चलो तुमने मुझे ये तो बता दिया पिछले वाले सेक्शन में है ना कि आपके ऊपर फाइन लगाया गया और आपने फाइन ना पे किया है ना तो आप मुझे क्या करोगे आप मुझे जेल भेज दोगे आप मुझे इनप्रिजनमेंट कर दोगे है ना क्यों किस वजह से क्योंकि मैंने फाइन नहीं पे किया अब लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुमने मुझे मान लो 2 साल की सजा सुनाई थी जेल की और मैं दो तुमने सॉरी तुमने मेरे दो हजार का फाइन यहां पे लगाया था दो हजार पैसे नहीं दिए तो तुम मेरे को मुंह उठा के बोलो हाँ मैडम बीस साल के लिए दूंगी तो तो, दो हजार रुपये तो तुम मेरे को मुंह उठा के बोलो हाँ चलो बीस साल के लिए अंदर जेल में जाओ तो ऐसे थोड़ी ना तुम्हारी दादागिरी चलेगी यहां कि किसी को तुम किसी भी समय के लिए जेल में उठा के यहाँ पे भेज दो होती है यहां से क्लियर होती है ठीक है अब यहां पे क्या बोला गया है यहां पे जो अपन 65 में पढ़ा करते थे ये हो गया है क्या सेक्शन नंबर आठ का क्लॉज नंबर ये हो गया है आपका सेक्शन नंबर आठ का क्लॉज नंबर तीन तो वही मैंने बताया सेक्शन सारे एक ही में घुसा दिए इन्होंने है, है ना अब यहां पे क्या लिखा है कि द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इंप्रेजेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन तुम सामने वाले को जो जेल की सजा सुना रहे हो फाइन ना पे करने की वजह से इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन तो वो कितनी जेल की सजा होगी इट शैल नॉट एक्सीड वन फोर्थ ऑफ द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट, विच इज मैक्सिमम फिक्सड फॉर ऑफेंस। सिंपल सा मैथ्स का कैलकुलेशन है मान लेते हैं कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सजा आईपीसी में मैक्सिमम मैक्सिमम अब इस वाले सेक्शन को एक एग्जाम्पल से समझो पूरा सेक्शन अंदर समझ में आ जाएगा है ना एक पर्सन है कहानी सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है तुमको मैथ्स का कैलकुलेशन भी करना है फिर है फिर इसमें ठीक एक पर्सन है जिसको आपने सात साल की सजा सुनाई और आपने इसको बोला कि तुझे दो हजार रुपए का फाइन भी यहां पे पे करना है ठीक है ए बोला ओके कूल ए बोला ये तो कूल cool है ये कूल cool नहीं है दो हजार नहीं है मेरे पास अब तुम क्या करोगे कपड़ा उतार के बेच लोगे तो बेच लो मेरा तो कोर्ट बोला कि नहीं चलो ऐसा नहीं करेंगे तो तुम सात साल तो जेल में जाओ ये जो दो हजार का फाइन तुम पे लगाया और तुम नहीं दे रहे हो इसके बदले में तुम्हारे ऊपर इनप्रेजेंटमेंट लगाएंगे है ना डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन में ए बोला ओके okay, कुल cool, कितना तो अब इन्होंने यहां पर क्या बोला कि भाई तुम्हें जिस ऑफेंस को करने की वजह से जिस ऑफेंस के लिए तुमको ये सात साल की सजा दी गई है तो वो सात साल तुमको सुनाई गई सजा है उसका ऑफेंस की जो मैक्सिमम सजा सात साल की नहीं है जो तुमको सजा सुनाई गई है वो सात साल की हो सकता है उस की सजा और ज्यादा तो सात साल की सजा सुनाई गई, गई है उसका अपन निकालेंगे वन फोर्थ ए बोला ओके okay, कुल cool. तो ऑफेंस किया है उसकी मैक्सिमम सजा बी में कितनी बताई गई है बीस साल की बताई गई है तो अब ये सेक्शन अपन को क्या बोलता है कि भाई लिखो बीस साल और लिखो यहां पे वन फोर्थ और निकाल लो बीस साल का वन फोर्थ कितना निकल के आया बीस साल का वन फोर्थ कितना निकल के आया मेरा मैथ्स नहीं अच्छा है हा? तो कैलकुलेशन बहुत ही गंदा मैथ्स है मेरा वेरी डम्ब इसलिए सीए नहीं बनी मैं <clears throat> कॉमर्स लेने के बाद भी बारह साल कौन सा मैच कर रहे हो ये हेलो पीपल बीस साल इंटू वन बाई कितना होता है पांच साल फोर वन जा ट्वेंटी तो कितना निकल के आया पांच साल निकल के आया फाइव इयर्स तो अब अपन एक को क्या बोलेंगे कि तूने जो दो हजार का फाइन नहीं दिया ना इसके लिए जो एक्स्ट्रा इंप्रेजेंटमेंट तेरे ऊपर लगाया जा रहा है वो कितना होगा वो होगा पांच साल का और ये एडिशन में होगा अभी अपन पढ़ के आए कि ये जो फाइन ना पे करने के चक्कर में जो इंप्रिजनमेंट लगाया जा रहा है ये इन एडिशन होगा टू दी ऑलरेडी पुट इंप्रिजनमेंट तो अपन को क्या करना है साथ में पांच एड करना है कितना हुआ आठ नौ दस ग्यारह बारह तो कितना निकल के आया बारह साल का टोटल इंप्रिजनमेंट यहां पे एक को झेलना पड़ेगा इज दिस सेक्शन क्लियर इज दिस सेक्शन क्लियर समझ में आ गया पल्ले बैठ गया हाँ सॉरी आदित्य ओके सॉरी माय बैड सेक्शन समझ में आ गया सबको ठीक है चलो फिर अगले पे आ जाओ अब अगले में हुए हैं बदलाव अगले में हुए हैं बदलाव अगले में बदलाव क्या हुए हैं अपन पढ़ते थे सेक्शन नंबर सिक्सटी सिक्स ठीक है अपन हाँ तो अब चलो गाइज यश ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है इसका जवाब मैंने तुमको पिछली क्लास में दिया भी था ये एक्सप्लेन भी किया था हमने सेक्शन यश के सवाल का जवाब दो फटाफट से अगर इनप्रेजेंटमेंट मैक्सिमम लाइफ इनप्रेजेंटमेंट है तो कैसे निकाला जाएगा ये वाला डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन वाला जल्दी से जवाब दीजिए ये मैंने समझाया था लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में ये सेक्शन हमने डिस्कस किया था कितना हो जाएगा फिर बिल्कुल सही यश लास्ट सेक्शन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि फ्रैक्शन निकालने के पर्पज से फ्रैक्शन निकालने के पर्पज से लाइफ इंप्रेजेंटमेंट कितना हो जाता है कितना लेके चलते हैं अपन 20 साल का लेके चलते हैं है ना तो फिर अपन 20 साल का यहां पे वन फोर्थ निकालेंगे वही बात हो गई पांच साल तो वेन यू नो दैट तो फिर क्यों पूछा आई थॉट भूल गए तुम वो सेक्शन हाँ ठीक है चलो अब अगले सेक्शन पे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 66 पढ़ते थे अपन है ना 66 में अपन क्या पढ़ते थे 66 अपन को बताता था कि जो इंप्रिजनमेंट जो इंप्रिजनमेंट आप सामने वाले ऊपर सामने वाले पर्सन के ऊपर लगा रहे हो उसने फाइन नहीं पे किया तो तुमने उसको जेल भेज दिया है ना अब वो जो तुम जेल भेज रहे हो वो तो बहुत टाइप का हो सकता है ना अपन ने जब पनिशमेंट डिस्कस करी थी तो अपन ने ने अपन लिसन मैम बट इफ लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है अच्छा ठीक है वेरी गुड क्वेश्चन ओके नाउ आई गेट योर क्वेश्चन ठीक है तो गाइज यश का क्वेश्चन ये है कि अगर किसी इंसान को ऑलरेडी लाइफ इंप्रेजेंटमेंट मिला हुआ है है ना और अपन ने उसके ऊपर फाइन लगाया और उसने ये फाइन नहीं पे किया अब ये पूरी पूरी कथा कथा सुनना तुम्हारा ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है अगर किसी के ऊपर आपने लाइफ इंप्रेजेंटमेंट लगाया और उसके ऊपर आपने फाइन लगाया लेट से फाइन लगाया आपने पांच हजार रुपए का है ना और इसने फाइन पे नहीं किया तो अब कैसे करेंगे कैलकुलेट तो अब वो सुनो अब लाइफ का अपन फ्रैक्शन कैसे लेके चलेंगे बीस साल का लेके चलेंगे है ना तो बीस साल का अपन क्या निकालेंगे यहां पर आया साल निकल के आया है ना अब ये साल अपन को कहीं पे एडजस्ट करना है नहीं 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 आ, आदित्य पूरी बात सुनो ये पांच साल अब अपन को एडजस्ट करना है अब एडजस्ट कैसे करेंगे वेरी गुड क्वेश्चन पांच साल कैसे एडजस्ट करेंगे क्योंकि वो इंसान तो ऑलरेडी जेल में है और लाइफ एंड प्रेजेंटमेंट जेल में है कहां पे एडजस्ट करोगे अब अभी तो अब देखो अभी तो तुमने उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई है लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये इंसान आगे जाके रेमेशन के लिए अप्लाई कर सकता है जैसे बिल्किस बानो वाले केस में हुआ ये इंसान आगे जाके कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर सकता है सरकार से बोल के या सरकार इसका कम्यूटेशन कंसिडर कर सकती है, है ना तो अभी तो ये लाइफ इंप्रेजनमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट में है, मान लो आगे जाके सरकार ने इसको रेमिशन दे दिया सरकार ने बोला कि ठीक है भाई चौदह साल काट और जेल के बाहर आ जा है ना अब ये चौदह साल काट के जेल के बाहर नहीं आएगा क्योंकि जो इसने फाइन नहीं पे किया है इसका भी तो पांच साल पेंडिंग है तो ये पांच अपन यहां पर एडजस्ट कर देंगे सिमिलरली मान लो सरकार ने इसको कम्यूट कर दिया हा दिस विल बी अ क्वेश्चन एट द टाइम जब उसका रेमिशन या उसका कम्यूटेशन हो रहा है जैसे अपन ने कम्यूटेशन पढ़ा था है ना कम्यूटेशन का जो अपन ने फ्रैक्शन पड़ा जो 474 सेवेंटी में दिया हुआ है मान लो उस इंसान का कम्यूटेशन कर दिया गया है ना उसकी सजा रिड्यूस करके सात साल की कर दी गई है कम्यूटेशन करके तो साथ में अपन क्या कर देंगे पांच ऐड कर देंगे तो ये जो सवाल आपने पूछा कि लाइफ इंप्रेजनमेंट में ये डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन वाला इंप्रेजनमेंट कैसे एडजस्ट होगा ये तभी एडजस्ट करने का सवाल आएगा जब उसने फाइन नहीं पे किया हुआ होगा है ना और उसका कम्यूटेशन या रेमिशन होने जा रहा होगा अगर नहीं होने जा रहा है तो तो एडजस्ट करने की बात ही नहीं है तो तो वैसे ही वो जेल में सड़ रहा है बेचारा इज इट क्लियर यश का ये डाउट सबको समझ में आया यश का ये डाउट सबको समझ में आया क्लियर? डेथ डेथ पेनल्टी में कुछ नहीं कर सकते डेथ पेनल्टी में ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास जब वो इंसान टंगी गया जाके तो तुम कहां से वसूलोगे फाइन ठीक है चलो अब अपन पढ़ते थे सेक्शन नंबर 66, है ना 66 क्या बन चुका है 66 बन चुका है सेक्शन नंबर आठ का क्लॉज नंबर चार क्या यहां पे सेक्शन के अंदर में बदलाव हुआ है चेंज हुआ है द आंसर इज यस बदलाव हुआ है चेंज हुआ है चेंज क्या हुआ है देखो पहले जो सिक्सटी सिक्स था ये सिर्फ फाइन के बारे में बात करता था अब इन्होंने यहां पे क्या कर दिया है अब इन्होंने यहां पे क्या कर दिया है कम्युनिटी सर्विस के बारे में भी एड कर दिया है कम्युनिटी सर्विस के बारे में भी एड कर दिया है अब यह सेक्शन क्या बोलता है सुनो जो नया वाला है बी का सेक्शन क्या बोलता है द इन जो कि कोर्ट तुम्हारे ऊपर लगा रहा है इंपोज कर रहा है फाइन ना देने के चक्कर में देखो भाई सिंपल सा हिसाब है तुमने मुझे बोला मैडम फाइन नहीं दोगी तो तुमको जेल जाना पड़ेगा तुमको इंप्रिजनमेंट जाना पड़ेगा मैंने बोला ठीक है कितना तो तुमने वो भी कैलकुलेशन मुझे समझा दिया बहुत ही ब्रिलियंटली ठीक है मैथ्स का कैलकुलेशन करके कि मैडम वन फोर्थ जाना पड़ेगा बट मेरा एक और सवाल है मेरा सवाल ये है कि भाई आईपीसी में बीएनएस में हम तीन टाइप का इंप्रिजनमेंट पढ़ते हैं है ना हम लाइफ वाला भी पढ़ते हैं हम रिग्रेस वाला भी पढ़ते हैं हम सिंपल वाला भी पढ़ते हैं तो ये जो तुम एक्स्ट्रा में मेरे ऊपर थोप रहे हो ये कौन सा होगा ये ये होगा ये ये होगा कि ये ये होगा तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला इन्होंने बोला है कि भाई जो तुम फाइन ना पे करने की वजह से या फिर अब यहां पे क्या ऐड हो गया है कम्युनिटी सर्विस ना करने की वजह से भाई कोर्ट ने जज ने

ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन हो जाएगा ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन हो जाएगा यहां पे फाइन लगाया या फिर आपने किसी के ऊपर यहां पे क्या किया कम्युनिटी सर्विस की सजा लगाई और उसने नहीं किया वो दोनों में डिफॉल्ट कर दिया तो तुम उसको क्या कर सकते हो सिंपल या रिग्रस दोनों में से कोई से भी नेचर का इंप्रिजनमेंट आप उसको दे सकते हो एनी डिस्क्रिप्शन लिखा है सिंपल नहीं लिखा है सिंपल रिग्रेस दोनों लिखा है एनी डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ सिंपल भी रिग्रेस भी है ना अब जो अगला सेक्शन है जो आप लोग सिंपल सिंपल बोल रहे हैं ना कौन आदित्य और हरवेंद्र और ज्योति जो आप सिंपल सिंपल बोल रहे हो ना वो आप इस वाले की बात कर रहे हो वो आप 67 वाले सेक्शन की बात कर रहे हो जो इसके पहला वाला सेक्शन होता है है ना जो उसके पहले वाला सेक्शन होता है सिक्सटी सिक्स वाला ठीक है उसमें सिंपल नहीं लिखा है उसमें दोनों लिखा है कि सिंपल भी भी हो सकता है, भी हो सकता सकता है है ठीक है अब सुनो कि सिंपल कब होगा है ना मैम कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट का गिरीश उसके रिकॉर्ड्स करे जाते हैं पूरा जब आप कम्युनिटी सर्विस के लिए जाते हो तो आपके साथ कोई भेजा जाता है चेक करने के लिए और आपको अटेंडेंस जैसे अपन ऑफिस में करते हैं ना पंच इन पंच आउट वैसा तुमको करना पड़ता है वहां पे ठीक है चलो अब अपन पढ़ते थे सिक्सटी सेवन अब 67 आपका क्या बन गया तो 67 नहीं पढ़ते हैं नया वाला ही पढ़ते हैं 67 अब आप आपका बन चुका है सेक्शन आठ का क्लॉज नंबर पांच अब मेरे को ईमानदारी से बताना किन किन लोगों ने बहुत सालों लगा के बहुत महीने लगा के ये जो स्लैब दिया होता था यहां पे है ना कि पचास रुपए टू दो महीना सौ रुपए तो चार महीना इतना तो छह महीना कितनों ने बहुत मुश्किल से यहां पे याद किया था ये ये टेबल बना बना के कि दो महीना तो पचास रुपया चार महीना तो सौ रुपया छह महीना तो उससे ज्यादा का हाउ मेनी ऑफ यू हैड अ हार्ड टाइम रिमेंबरिंग दिस थिंग एक इसमें दिक्कत आती थी और एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाले में दिक्कत आती थी कि कितने में कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो मिलेगा कितनों को दिक्कत आई थी याद करने में और तुमने बहुत मुश्किल से इसको याद किया था किसी को दिक्कत नहीं आई थी सबको इजीली याद हो गया था एवरीबडी हैड अ स्मूथ थिंग देखो आदित्य इज ऑनेस्ट है ना गिरीश इज ऑल्सो ऑनेस्ट सुगंध इज ऑल्सो ऑनेस्ट अब उसको भूल जाओ अब उसको भूल जाओ क्योंकि अब वो बदल चुका है जो तुमने इतनी मुश्किल से तो स्लैब याद किए थे ना दो महीना पचास रुपया चार महीना इतना रुपया वो बदल चुका है अब पूरा यहां पे पनिशमेंट अमाउंट जो है फाइन का वो बढ़ा दिया गया है है ना अब ये नया वाला सेक्शन क्या है नया वाला सेक्शन जो है विच इज सेक्शन नंबर एट क्लॉज फाइव ये क्या बोलता है कि देखो अगर आपको एक ऐसे ऑफेंस की सजा हुई है जिसकी पनिशमेंट क्या है सिर्फ फाइन है या कम्युनिटी सर्विस है ध्यान से सुनना अगेन इसमें भी इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सेक्शन अभी उनका एक कुछ स्टूडेंट्स का ना एक बहुत ही अजीब सा अटपटा सा डाउट आता है यहां से मैं अभी बताऊंगी क्या डाउट आता है ठीक है सेक्शन आठ का क्लॉज नंबर पांच या सेक्शन नंबर सिक्सटी सिक्स सिर्फ आईपीसी के या भारतीय न्याय संहिता के सिर्फ उन ऑफेंसेस के बारे में बात करता है जिसकी पनिशमेंट जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन ही बताई गई है मतलब आईपीसी या बीएनएस जो है इंप्रिजनमेंट के बारे में बात नहीं करते हैं वो सिर्फ फाइन के बारे में ही बात करते हैं ठीक है अब लेकिन और किसके बारे में बात करते हैं

जेल की सजा सुनाई भी नहीं तुमको सिर्फ फाइन देने को बोला गया था या तुमको सिर्फ कम्युनिटी सर्विस यहां पे करने को बोला गया था ठीक है और तुमने वो भी यहां पे नहीं किया उसमें भी तुमने यहां पे क्या कर दिया डिफॉल्ट कर दिया अब यहां पे तुम्हारे ऊपर जो फाइन जो इंप्रिजनमेंट है वो कितना कितना यहां पर लगाया जाएगा अब यहीं पर स्टूडेंट का डाउट आता है कि मैम ये टेबल हमें क्यों पढ़ना पड़ता है अभी तो हम पढ़ के आए कि इंप्रिजनमेंट अगर नहीं करोगे अगर अगर फाइन नहीं दोगे तो वन फोर्थ आपका निकाला जाएगा तो वन फोर्थ के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं ना ये वापस से बताने की क्या जरूरत है कि दो महीना तो इतना रुपया चार महीना तो इतना रुपया क्योंकि वो जो वन फोर्थ वाली चीज आप पढ़ के आए हो वो उन ऑफेंसेस के लिए होती है जहां पे पनिशमेंट भारी भरकम होती है जहां पे हाई हाई वाले ऑफेंसेस किए जाते हैं भारी भरकम मर्डर रेप डेकोइटी रॉबरी एक्सटॉर्शन जो है वो किया जाता है ये जो स्लैब है ये जो स्लैब है ये उस टाइप के ऑफेंसेस के लिए है जो कि छुटपुटिए नेचर के होते हैं जो कि टुच्चे नेचर के होते हैं ठीक है अब यहां पे हां यहां पे तीन टाइप के स्लैब अब आपको दे दिए गए हैं जो कि बदल दिए गए हैं स्लैब अब आपके क्या कहते हैं कि भाई अगर अगर आपको पांच हजार रुपए की अभी नया टेबल बना के लिख लो नया टेबल बना के लिख लो अगर आपको पांच हजार रुपए तक का फाइन बताया गया था और आपने यह नहीं पे किया तो मैक्सिमम आपको दो महीने की सजा यहां पे सुनाई जाएगी ठीक है अगर आपके ऊपर दस हजार रुपए तक का फाइन लगाया गया था तो आपकी पनिशमेंट यहां पे कितनी हो जाएगी मैक्सिमम चार महीने तक की हो जाएगी और अगर आपके ऊपर दस हजार से ज्यादा तक का फाइन है तो वहां पर आपकी पनिशमेंट एक साल तक की हो जाएगी ये आपका क्या है नया स्लैब है यहां पे वापस से एक बार सुन लो नया स्लैब क्या कहता है अगर आपके ऊपर पांच हजार रुपए तक का फाइन लगाया गया था तो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी दो महीने तक की हो जाएगी ठीक है दो महीने की होगी अगर आपके ऊपर दस हजार रुपए का फाइन लगाया गया था दस हजार तक का फाइन लगाया गया था और वो भी आपने पे नहीं किया मतलब पांच हजार से दस हजार के बीच का फाइन लगाया गया था और वो आपने पे नहीं किया तो मैक्सिमम आपको चार महीने की सजा सुनाई जाएगी और अगर आपका फाइन जो है अमाउंट दस हजार के ऊपर का है तो मैक्सिमम आपको एक साल की सजा यहां पे सुनाई जाएगी अब यहां ही पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट आ जाता है ठीक है कि मैम इतना इतना इजी होता है क्या इतना आसान होता है क्या कि मतलब दस हजार रुपए का फाइन है तो सिर्फ एक साल रुपए एक साल जेल काटनी पड़ेगी दस रुपए फाइन है मतलब बहुत ही छुटपुटिया नेचर का ऑफेंस है बहुत ही लाइक आई सेड बहुत बहुत ही ही नीच लेवल का ऑफेंस है ठीक है जिसमें अपन को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती इसलिए मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि यह सेक्शन सिर्फ पुनी पे अप्लाई होता है जिनकी पनिशमेंट भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ फाइन या सिर्फ कम्युनिटी सर्विस दी गई होगी इनप्रिजेनमेंट का नामो निशान नहीं होगा उस सेक्शन के अंदर में वहां पर अप्लाई होता है इज इट क्लियर समझ में आ गया नया वाला स्लैब समझ में आ गया क्या है

कम्युनिटी सर्विस की सजा लगाई जाएगी वहां पे ये सेक्शन अप्लाई होगा एप्सुलूटली करेक्ट गुड आदित्य यहाँ, वहाँ पे ये वाला सेक्शन आपका अप्लाई होगा ठीक है कूल चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर सिक्सटी एट जो कि अब बन चुका है क्या सेक्शन नंबर एट का क्लॉज नंबर सेक्शन नंबर एट का क्लॉज नंबर नहीं सॉरी सेक्शन नंबर सॉरी सेक्शन नंबर एट जो था आपका ये अब बन चुका है सेक्शन नंबर छह बी एन एस का ठीक है सिक्सटी एट आपको देखो सिंपल सी बात बताता था कि आपके ऊपर सेम ही सेक्शन है सेक्शन में कोई बदलाव नहीं हुआ है है ना जो आपके ऊपर इंप्रेजमेंट लगाया गया था फाइन ना पे करने की वजह से डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन करने की वजह से जो तुम्हारे ऊपर लगाया जाएगा, मैंने आपके ऊपर सौ रुपए का हजार रुपए का फाइन लगाया तुमने फाइन नहीं पे किया मैंने तुमको उठा के जेल में भेजा है ना अब तुमने जो है हजार रुपए का फाइन मुझे पे कर दिया तो भाई मैंने तुम्हारा जेल भी कैंसिल कर दिया सिंपल सी बात है ठीक है अब ये कैसे कैंसिल होता है इसका कैलकुलेशन आपको अगले सेक्शन में बताया जाता था जो अपन 69 में पढ़ते थे जहां ये पूरा गणित डाल देते थे तुम्हारे ऊपर कि इतना में इतना पे कर दिया तो इतने टाइम के बाद छूट जाएगा ये जो कैलकुलेशन था आपका वो हम यहां पे पढ़ते थे ठीक है यही है अंजलि दिस इज सेक्शन नंबर सिक्स जो अपन पढ़ रहे हैं दिस इज सेक्शन नंबर सिक्स सिक्सटी जो सेक्शन हुआ करता था वो अब हो चुका है सेक्शन नंबर सिक्स का क्लॉज नंबर ए इसमें भी अंदर बाइफरकेशन है सेक्शन नंबर छ में अंदर बहुत सारे बाइफरकेशन हैं ए बी सी ए तो सिक्सटी एट आपका हो चुका है सेक्शन नंबर सिक्स का क्लॉज नंबर ए ठीक है चलो अब ये जो भारी गणित वाला सामान है ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे जस्ट क्विकली लेट मी नो अभी तक वट एवर बी डिस्कस्ड इज इट क्लियर एनी बडी हैज एनी क्वेश्चन एनी डाउट कोई चीज ना समझ में आई हो तो आई कैन रिपीट दैट अगेन एनी थिंग एवरीथिंग जो तुमको ना समझ में आया हो यू वॉन्ट मी टू रिपीट आई कैन रिपीट दैट ये भारी गणित वाला कल कल समझेंगे आज के लिए बहुत मैथ्स हो गया इतना इतना ही मैथ्स कर सकते हैं लॉ वाले एट का क्लॉज नंबर सिक्स नहीं दिस इज is... एक सेकेंड यार अच्छा मैंने पहले सही बोला था क्या हाँ तो एट का क्लॉज नंबर सिक्स का होगा हां तो एट का क्लॉज नंबर सिक्स का पॉइंट ए होगा मतलब मैंने पहले सही लिखा था ठीक है यहां पे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई सिक्स ए लिखा था तो मुझे लगा सेक्शन नंबर छह है ठीक है लास्ट सेक्शन रिपीट हाँ, तो आदित्य नॉन वैल्यूएबल आइटम वही हुआ ना पांच हजार से कम का बाकी देर इज नथिंग कॉल्ड नॉन वैल्यूएबल एवरीथिंग इज वैल्यूएबल मतलब हर चीज की कुछ ना कुछ तो कीमत होती है ना तो बेसिकली नॉन वैल्यूएबल अब उनके हिसाब से क्या हो चुका है पांच हजार से नीचे का सामान हो चुका है दैट इज नॉ नॉन वैल्यूएबल फॉर देम कौन था ये अंजलि uh, अंजलि ये वाला जो तो सेक्शन है ये सिंपल सी बात ये सिंपल सी बात आपको बस ये बताता है कि देखो कोई ऐसा सेक्शन है बीएनएस का है ना कोई ऐसा सेक्शन है बीएनएस का जो बहुत ही छुटपुट लेवल का ऑफेंस है बहुत ही लेवल का ऑफेंस है ठीक है छोटे लेवल का है टुच्चे लेवल का है है ना तभी उसकी पनिशमेंट या तो सिर्फ फाइन होगी या कम्युनिटी सर्विस होगा मतलब उससे ज्यादा पनिशमेंट दी नहीं है. दिया ही नहीं है या तो सिर्फ फाइन है या फिर कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट है मतलब इट्स अ बेसिक लेवल का ऑफेंस बहुत ही इजी लेवल का ऑफेंस होगा वो मतलब बहुत ज्यादा हीनियस नेचर का नहीं होगा अब आपने एक ऐसा ऑफेंस किया जिसकी पनिशमेंट भारतीय न्याय संहिता में या तो सिर्फ फाइन दी है या कम्युनिटी सर्विस दी है तुमको बोला गया तुमको गिल्टी पाया गया तुमको फाइन देने के लिए बोला गया या तुमको कम्युनिटी सर्विस करने के लिए बोला गया है ना क्लॉस अच्छा ये ओके ये पूछ रही हो ठीक है अंजलि ये वाला सेक्शन ये बोलता है कि अगर मैंने आपके ऊपर फाइन लगाया था मैंने जैसे कि आपको बोला कि भाई अंजलि आपको जो है आ, हाँ, अंजलि आपको जो है हजार रुपए का फाइन पे करना है तो आप निकली कंजूस आपने बोला मैं तो ना दे रही हजार रुपए एक तो तुम मुझे जेल भी भेज रहे हो मैं तो नहीं दूंगी हजार रुपये मैंने बोला ओके कूल हजार रुपये फाइन नहीं दोगी तो यू हैव टू तो गो टू जेल तो ये अलग ठीक है फिर तुम जेल गई तो तुमको रियलाइज हुआ कि यार ये तो बिल्कुल भी अच्छी दुनिया नहीं है दिस इज नॉट एट ऑल हाउ दे शो इन मूवीज यहां तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा दिस इज नॉट एट ऑल फन तो तुम्हारे अकल आ गई है ना तो ये यार दे देते हैं हजार रुपये का फाइन ही है कोई बात नहीं दोस्त यारों से लेके दे देते हैं तो तुमने मुझे हजार रुपए का फाइन ला दे दिया तो मैंने तुम्हारा जेल भी कैंसिल कर दिया ये एक सी बात है जो कल डिस्कस करेंगे मान लो मैंने तुमको फाइन ना पे करने की वजह से चार महीने की जेल की सजा सुनाई है ना तुमने एक महीना जेल में काट लिया बाकी बचेगा तुमने मुझे पैसा दे दिया तो वो एडजस्टमेंट कैसे होता है वो हम कल के सेक्शन में पढ़ेंगे वो हम कल के सेक्शन में पढ़ेंगे वो सिक्सटी नाइन में भारी गणित वाला सेक्शन है एकदम डीप मैथ सेक्शन है ठीक है।, है।, है चलो तो गाइज आज की कथा यही समाप्त करते हैं अब कथा समाप्त करने के पहले एक चीज थी जो मैं आपको बताना चाहती थी जैसे कि मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया भी था कि आज एक बढ़िया मौका है आपके पास अगले चार घंटों के लिए बढ़िया मौका यह है कि स्टडी आई क्यू जुडिशरी का जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है विच इज स्टार्टिंग ऑन ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ जनवरी इस बैच में अगर आप इनरोल करते हैं तो आज आपके पास बढ़िया मौका है क्योंकि आज इस बैच का जो प्राइस है वो रिड्यूस कर दिया गया है बाईस हजार नौ सौ निन्यानवे है ना बाईस हजार नौ सौ निन्यानवे यानी कि दो हजार रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां पर आपको दिया जा रहा है लेकिन वो सिर्फ आज रात में बारह बजे तक ही है तो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आपको बस ये करना है कि गूगल पे जाके आपको स्टडी आई की जुडिशरी टाइप करना है टाइप करके इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां पे जो ये सबसे पहला कोर्स आपको दिखाई देगा ये है हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच जिसका प्राइस आज के लिए कितना हो गया है बाईस हजार नौ सौ निन्यानवे किया जा चुका है बैच हां रा, राम मंदिर डिस्काउंट एब्सोल्युटली करेक्ट आज प्राण प्रतिष्ठा है है ना तो इसलिए कर रहे हैं तो देखो बैच में गाइज हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं जिसमें 12 महीने में आपका पूरा सिलेबस यहां पे कंप्लीट करवा दिया जाता है इसके साथ साथ डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है प्रिलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है यस आदित्य यू कैन बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है इसके साथ साथ इन बैचेस में इन क्लासेज में आप अपने डाउट्स क्वेश्चन भी क्लास में ही फैकल्टीज से पूछ सकते हो प्लस डेली लेवल पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है डेली यहां पे आपको प्रीलिम्स के और मेंस के नोट्स मिलते हैं है ना अलग अलग प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग यस सुगंध यू कैन है ना इसके साथ साथ मेंस आंसर राइटिंग जजमेंट राइटिंग भी आपको करवाया जाता है जीके और करंट अफेयर की क्लासेस ठीक है लीगल करंट अफेयर जो कि डीजेएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लोकल लॉज जो कि अलग अलग स्टेट्स के होते हैं है ना

क्योंकि आपको हैवी डिस्काउंट यहां पे मिल रहा है सो so, आपको बस ये करना है कि बायनाओ पे जाओ किस थर्टी सेवन ट्रिपल नाइन का दिखाई देगा एड और लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखो एक बॉक्स बना होगा एंटर कूपन कोड यहां पर जाके टाइप कर दो ए आर जे मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर और अप्लाई कर दो एंड अप्लाई करके आप यहां पे देखेंगे तो बाईस में पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है जो वैसे कितने का है 24,999 का है लेकिन रात में 12 बजे तक इसका प्राइस आज रात में 12 बजे तक इसका प्राइस 22,999 है ठीक है सो आपको बस ये करना है कि मेरा डिस्काउंट कोड ए आर जे यूज करके यहाँ पे इनरोल करना है बुक तो यार आपको अलग से लेनी पड़ेगी ऑब्वियसली इतने इतने प्राइस में का अवतार अफ, सिंह बांगिया है ना केडी गौर जो खुद हजार हजार रुपए की किताबें हैं वो नहीं दे सकते हम नोट्स आपको दिए जाते हैं डेली बेसिस पे बुक्स जे एन पांडे के डी गौर तकवानी ये सब आपको खुद ही लेना पड़ेगा है ना ऑल्सो uh, तो करोगे तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का का जो महापाक का कोर्स है है ये आपको लाइव बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता एनरोल करने के साथ तो बाईस हजार नौ सौ निन्यानवे में यू विल बी गेटिंग टू कोर्सेस लाइव बैच ऑल्सो महापैक ऑल्सो जिसमें सोलह स्टेट्स की जुडिशरी का पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिया जाता है सो गुड चांस टूडे फॉर यू बारह बजे तक का टाइम है आपके पास रात में अगर आप चाहें तो आप इनरोल कर सकते हैं ठीक है मैम क्या ये लॉ इन्फोर्स हो चुके हैं नहीं इन्फोर्स नहीं हुए हैं छब्बीस uh, जनवरी को स्केड्यूल आएगा मोस्ट प्रोबेबली जिसमें सरकार बताएगी कि कहां कहां कैसे कैसे इनरोल होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली सुनने में आ रहा है कि पहले गुजरात से होना स्टार्ट होंगे और धीरे धीरे स्टेट्स में किए जाएंगे द रीजन आई एम टीचिंग इट नाउ इज बिकॉज इनको पढ़ना एक दिन का काम नहीं है इवन महीने भर का भी काम नहीं है है ना पढ़ना पड़ेगा डिफरेंस समझना पड़ेगा नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे तो रादर कि 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 हम हम बैठ के इंतजार करें कि सरकार लेके आएगी फिर हम पढ़ेंगे बिकॉज आई फील तुम्हारा मान लो जज का पेपर उसके पहले हो भी जाता है आप जज बन भी जाते हैं किसी भी स्टेट में तो भी तुमको नए वाले कानून पढ़ने हैं है ना आप जज बाद में बनते हो तो भी आपको नए वाले पढ़ने हैं क्योंकि पच्चीस छब्बीस से तो ये हो ही जाएंगे लागू है ना आप वकील के तौर पे प्रैक्टिस करते हैं आपको तो भी पढ़ने हैं आप कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म में हैं आपको तो भी पढ़ने हैं है ना एंड <coughs> तुम तुम पढ़ाते हो तुम जो भी करते हो तुम सिर्फ लॉ कॉलेज में पढ़ भी रहे हो ठीक है आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी तुमको पढ़ने हैं एनी बडी एंड एवरीबडी जिसका लॉ फील्ड से लॉ करियर से कोई नातेदारी है कोई कनेक्शन है उसे ये पढ़ने पड़ेंगे तो अभी पढ़ो बाद में पढ़ो इट्स वन एट थे द सेम थिंग तो पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि पढ़ने हैं ओके चलिए सो गाइज दिस वॉज ऑल थैंक यू सो मच वंस अगेन कल मिलते हैं सेम टाइम पे दैट इज सेवन पीएम तब तक के लिए टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय बाय